शासन के निर्देश पर 17 से 25 अक्टूबर के बीच पूरे प्रदेश में चलाए जाने वाले मिशन शक्ति अभियान की सफलता के लिए एक बैठक का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनएक्स भवन सभागार में किया गया। बैठक में महिलाओं, बच्चों तथा बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा एवं महिला अपराध संबंधी कानूनों का वृहद प्रचार प्रसार किए जाने पर चर्चा की गई तथा कहा गया कि महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के लिए बनाए गए कानूनों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और उसे पूरी तरह पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। इसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी टोल फ्री नंबर को भी प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संबंधित नंबरों की जानकारी दी जा सके। बैठक में महिला कल्याण विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, यूनिसेफ से जुड़े कर्मचारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, सितारा सिद्दीकी, राजेश कुमार सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर, महिला शक्ति केंद्र की टीम, वन स्टॉप सेंटर की टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा विभिन्न संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह ने कहा, तो आंगनबाड़ी के लोगों को कैसे हुआ है? 20-25 ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि जो 19 तारीख को हो रहा है, क्योंकि सर वहाँ पर लोग बैठ करके वो लोग अपना कर लेंगे, उसको बनाते और झगड़ा होगा तो जरूर संपर्क कर लेंगे, मैं कंसल्टेंट से मिलकर बात करूँगा सर, और ग्रुप में अगर नंबर मिलना संभव होगा तो बात कर जाएगा, मैं उसका आपके शेयर कर दूँगा कि आपस में कॉर्डिनेशन हो जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 ग्राम पंचायतों में आप संबंधी हो गए हो वहाँ किस तरह की फिजिकली हो जाएगी, वो भी फोटो हमारे लिए कंडीशन हो जाएगा, हम अपना दोनों को सिखा सकते हैं, हमने फिजिकल भी कराया और मेमार से भी ये चीज़ें हो गई हैं। एक्चुअली देखते हैं ADYSP से आप लोग एक बार बात कर लीजिए, खुद भी बात कर लीजिएगा कि भाई ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आप से निर्देश आएगा और ये बैठक करानी है, तो आप लोग अपने नीचे जो सिस्टम है उसमें आप लोग ये इन्फॉर्म कर दीजिए और डेट ये है, विषय ये है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैसेज जाएगा तो अच्छे से हो जाएगी, और सर इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं जिस पर आपको बात करना है उसका प्रॉपर एक हैंडल तैयार होगा, लेकिन उसमें कुछ डेट स्टेज हो गए तो रूम में मिल जाएगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट पर ब्रीफ किया हुआ है, तो यही करना है बोलने के लिए कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप समाज में देखेंगे तो लड़के के साथ होता है, तो कहते हैं मैं लड़का हूँ मैं नहीं बोल सकता, ये मेंटालिटी है। होता है ऐसा कानून है जिसमें कानून की है संविधान और कानून और कोर्ट ये कहते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एक बार अगर ये हो गया है रिपोर्ट इसमें फैसला होगा, चाहे वो इस पार्टी को जाए चाहे उस पार्टी को जाए, लेकिन फैसला ही होगा। तीसरा मेजर पॉइंट है कि एज ए पर्सन आंगनबाड़ी जो चाहे हम लोग हो गए चाहे पुलिस हो गया डॉक्टर हो गया, एक आम आदमी के लिए भी मैंडेट है कि अगर आपको पता चल जाता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है, नहीं तो बाद में अगर पता चलता है कि इस व्यक्ति को पता था और नहीं उन्होंने रिपोर्ट किया है उसमें 6 महीने की सजा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस के तौर पर हम बात करेंगे तो ये कि आपको डरना नहीं है, आपके लिए स्पेशल कानून बना है जो बात करता है आपके लिए बात ऑफ हो गया था, आपके लिए बात करता है कि आपको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके लिए स्पेशल कोर्ट है, आपको मुआवजा दिया जाएगा, फ्री वकील दिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए स्पेशल कोर्ट है, आपको फ्री वकील दिया जाएगा, आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो बोलना है बर्दाश्त नहीं करना है। ठीक है, तो मेन अवेयरनेस पॉक्सो को लेकर ये है कि आपको बोलना है अगर आपके साथ शोषण हो रहा है। टाइप ऑफ अब्यूज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पॉक्सो में IPC में भी सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी कि जो अमेंड हुआ है एक्ट में उसके अकॉर्डिंग जो क्राइम है कि भाई किसी को हम टच करेंगे या कुछ अब्यूजिव वर्ड बोलेंगे कहेंगे कभी क्राइम नहीं है, अगर आप किसी को देख रहे हो और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो वो भी क्राइम है और वो रिपोर्ट कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। ठीक है, तो एक मिनिमम ये है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई अलग तरीके से छू रहा है, अलग तरीके से देख रहा है, स्कूल जा रहा है, आपको पीछे पीछे कोई आ रहा है, कोई देख के सीटी मार रहा है या कुछ भी, आप अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो वो सेक्सुअल हरासमेंट है और आप उसका कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करने के लिए जो 3-4 नंबर है आपको बहुत ध्यान रखना है कि 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, ये सारे मेटेरियल आपको ग्रुप में भेजा जा चुका है, इसे हम भेजेंगे, 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और जो इमरजेंसी
वजह से तुम इसके लिए 112 तो है, ठीक है। जब भी अवेयरनेस करेंगे ये चार नंबर हमें एकदम सबको रटा देना कि ये जब भी उनके साथ कुछ ऐसा हो ये चार नंबर उनके एकदम दिमाग में रहे कि ये 112 1098 1090 181, ठीक है। अब रही लैंगिक समानता की बात करें तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। बात करें हम लोग कहते हैं किसान, किसान जब कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि सब उठती है कि किसान पुरुष ही होते हैं, बट ये हकीकत नहीं है। परंपरागत है कि हमेशा से ही महिलाएं भी खेती करती आई हैं, काम करती हैं, लेकिन उनको कभी उस तरह से देखा नहीं गया, तो इस तरह की समानता है। अब ये जो पॉक्सो की बात कर रही है लैंगिक समानता को लेकर कैसे डिफाइन करता है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है कि स्कूल जा रही है तो जिद करके स्कूल से कॉलेज जाती है, भाई कॉलेज दूर है लेकिन जिद करके वो गई कि नहीं सब कुछ ठीक है हमें पढ़ना है। अब वो अगर कॉलेज जा रही है और रास्ते में अगर कोई उसे छेड़ रहा है, कोई तंग कर रहा है, तो वो इस डर से घर में नहीं बोलती है कि उसको पता है कि मैं बोलूंगी तो घर वाले पढ़ाई छुड़वा देंगे, क्योंकि वो उसे लड़ते हैं और वो सुरक्षा करने नहीं जाएंगे। तो ये डर कहीं ना कहीं निकालना है, हर किसी को एम्पावर बनाना है कि भाई अगर उसे छेड़ रहा है कह रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हेल्पलाइन पर फोन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि केसी रिपोर्ट हो, FIR ही हो और पुलिस ही आए। ये ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आप कॉल करके बस ये कह सकते हो कि मैं आपका नाम नहीं बताना चाहती, मुझे ये प्रॉब्लम है, बस आप सॉल्व करो, आप एरिया बताओ, किस समय ये होता है ये बताओ, क्या दिक्कत है ये बताओ, ये सॉल्व करेंगे विदाउट आपका नाम जाने। एक अभियान है जो बालिकाओं, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने का और उनको उनके अधिकारों और उसके जो भी उनकी सुरक्षा है उनके प्रति सजग करने, अधिकारों के प्रति उनकी जानकारी प्रदान करने, ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चलाया जा रहा है और नाम दिया गया है इसको, और ये 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इस अभियान के अंतर्गत तरह तरह की गतिविधियाँ हैं, जैसे कि इसमें मोबाइल बैंड के माध्यम से ऑडियो विजुअल डिस्प्ले किए जाएंगे और जो कि उनके प्रेरणादायक होंगे, उसके साथ ही साथ वेबिनार के माध्यम से फिजिकली आंगनबाड़ियाँ और सामाजिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, संस्थाओं के लोग शामिल होकर के उसको चर्चा करेंगे समूहों में इकट्ठा होकर के। इसके साथ ही साथ और भी जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, कठपुतली होता है, इस तरह की गतिविधियाँ भी हम लोग ग्राम पंचायतों में लोकल लेवल पर करेंगे, जिससे कि इन लोग जो हमारी बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं और बच्चे हैं, ये अपने अधिकारों को जान सकें और जब भी उनके प्रति कोई हिंसा या किसी तरह उत्पीड़न के घटनाएं होती हैं तो वो आवाज़ उठा करके अपने संबंधित अधिकारी या अपने गार्जियन ऐसे लोगों को बताएं जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन और सुरक्षा मिल सके और समय रहते हम किसी बड़े घटनाओं को रोक सकें। इसी उद्देश्य से ये अभियान का संचालन किया जा रहा है।